When, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सर्चिंग एल्गोरिथम क्या है और इसकी कितनी टाइप्स होती हैं सर्चिंग सर्चिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्पेसिफाइड लिस्ट सर्चिंग का मीनिंग है हमारे पास एक स्पेसिफाइड लिस्ट है उसमें से एलिमेंट को फाइंड करना इफ अ स्पेसिफाइड एलिमेंट इज प्रेजेंट इन द लिस्ट सो फाइंड द लोकेशन ऑफ द स्पेसिफाइड एलिमेंट अगर जो हम एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं वो लिस्ट में प्रेजेंट है उसके बाद हमें उस एलिमेंट की लोकेशन फाइंड करनी होती है इफ द एलिमेंट इज़ फाउंड दैन इट इज़ कॉल्ड सर्च इज सक्सेसफुल जो एलिमेंट हमें फ़ाउंड करना है अगर वो फाउंड हो जाता है तो क्या कहते हैं सर्च सक्सेसफुल हो गई इफ द एलीमेंट इज नॉट फाउंड दैन इट इज़ कॉल्ड सर्च इज़ अनसक्सेसफुल अगर हमारा जो एलिमेंट है वो फाउंड नहीं होता है नहीं मिलता है तो हम कहते हैं सर्च इज़ अनसक्सेसफुल आगे हम करेंगे टाइप्स ऑफ सर्चिंग सर्चिंग की टू टाइप्स होती हैं इंटरनल सर्चिंग एंड एक्सटर्नल सर्चिंग इंटरनल सर्चिंग क्या होती है इफ़ ऑल एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन द कंप्यूटर इज मेमरी इट इज़ कॉल्ड इंटरनल सर्च जो एलिमेंट्स हैं लिस्ट के वो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी में स्टोर्ड हैं हमें कंप्यूटर की मेमोरी में से ही फाइंड करने हैं एलिमेंट्स इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी तो उसे कहते हैं इंटरनल सर्च सेकेंड है एक्सटर्नल सर्च ऑल एलिमेंट्स कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द मेमोरी एंड वी हैव टू स्टोर सम एलिमेंट्स ऑन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल सर्च जो हमारे एलिमेंट्स हैं लिस्ट के वो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर नहीं है उन्हें हम किसी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करते हैं तो उसे कहते हैं एक्सटर्नल सर्च सो गाइज आई होप आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें एंड अगर हम मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें